हेलो एवरीवन, आई एम रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियास अमेजिंग वर्ल्ड। तो बहुत सारे लोगों ने जिस वीडियो के लिए बोला था वो वीडियो है यहाँ पर, तो वो है वार्डरोब टूर का। तो आज मैं बस इस वीडियो में वार्डरोब टूर कराने वाली हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे ही वार्डरोब ओपन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आता है ये यूट्यूब का लोगो। ये मैंने अपने आप DIY किया है, मतलब ये मैंने DIY किया है। वो जो फॉर्म शीट आती है ना, वो रेड कलर की फॉर्म शीट लेके इतना कट कर लिया और फिर वाइट कलर की फॉर्म शीट से ये शेप कट करके लगा दिया। फिर उसके बाद, हाँ, ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा ना, वो इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि ये पहले मैंने वॉल पर लगाया था, लेकिन फिर वॉल पर वॉलपेपर लग गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये कहाँ पर लगाऊँ कहाँ पर लगाऊँ, क्योंकि वॉलपेपर तो उसके ऊपर तो इतना जाएगा नहीं। तो फिर मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि जैसे हम वॉल के सामने भी हर रोज़ देखते हैं, कबर्ड भी ओपन हर रोज़ करना ही होता है। तो इसीलिए ये मोटिवेशनल वर्ड्स का पूरा मैंने यहाँ पे लगा दिया। और बाय द वे, ये मैंने DIY किया है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ ऊपर से। तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरा गाउन, और उसके बाजू में नाइटवेयर है, और उसके साथ आई मास्क और स्क्रंच वगैरह साथ में आया था, स्लीपर भी आया था। फिर यहाँ पर है मेरी बैकपैक, जो कि आपने अंदर से तो देखी होगी क्या क्या सब कुछ है, तो वो मैं अभी ओपन नहीं कर रही हूँ। फिर यहाँ पर नीचे है मेरे टॉप, मतलब नीचे, मतलब इसके नीचे है मेरे टॉप्स एंड टी शर्ट्स, और जैकेट भी है, डेनिम के दो है, ये स्लीव वाला है, ये स्लीवलेस है। और यहाँ पर दो तीन हैंगर्स है, क्योंकि तीन चार टॉप्स वॉश होने गए हैं अभी। इसके बाजू में यहाँ पर ये है स्मॉल थिंग्स ऑर्गेनाइज़र, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाती है और ये एकदम कॉम्पैक्ट है। तो इसके साइड में आ गया तो बहुत ही अच्छा लुक देता है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर ऊपर है ईयर मफ, मतलब ईयर मफलर है, जिसकी आजकल तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत, कुछ ज़्यादा क्या, कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब आते हैं ये ड्रॉर्स पे। सबसे पहले ये वाला ड्रॉर ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये है मेरा छोटा सा पर्स, बहुत ही डेकोरेट किया हुआ है, मतलब मैंने नहीं, ऐसा ही आया है। फिर यहाँ पर और एक पर्स है, ये इसका पर्पल कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे ये स्माइली वाला है, एक्चुअली इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसकी चेन ख़राब हो गई है। फिर ये यूनिकॉर्न वाला है पाउच है, अगर आपको याद होगा तो ये मुझे मेरे बर्थडे पे मिला था। फिर ये माय बेस्ट फ्रेंड वाला फ्रेंडशिप डे पे दिया हुआ है। और ये मेरे एक टॉप का है जो मैंने रखा हुआ है, मतलब वो वॉश होने जाता है तो मैं इसमें से ये निकाल लेती हूँ सेफ्टी पिन वाला, फिर से लगा देती हूँ जब वॉश हो जाता है। तो बस इस ड्रॉअर में तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट ड्रॉअर दिखाती हूँ। तो अभी दिखाती हूँ ये वाला ड्रॉअर। तो सबसे पहले इसमें ये है एक बुकमार्क, ऐसे मैंने अलग अलग डिज़ाइन के अभी रिसेंटली तीन बनाए थे, लेकिन इसमें से एक मैंने यहाँ पे रखा है और दो स्टडी टेबल के ड्रॉअर में है। फिर ये तीन मेरी स्टोरी बुक्स है, ये सीक्रेट सेवन की तीनों बुक्स है, और यहाँ पर है ये लॉक एंड की। एक्चुअली ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इसको ऐसे किचन में रख दिया और बहुत प्रिटी लग रहा है। और ये पता नहीं किसका है, आई थिंक ट्राइपॉड का है। फिर यहाँ पर है ये बंद घड़ी, एक्चुअली पहले मैं इसको स्टडी टेबल पर रखती थी, लेकिन फिर ये बंद हो गई तो ये फिर यहाँ पर है। और उसके थोड़े दिन ही बाद स्टडी टेबल की भी प्लेस चेंज की गई, तो अभी क्या होता है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक तो ये रीज़न है
कि मुझे ऐसा बहुत पसंद है कि स्टडी टेबल पर जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई ऐसे छोटी सी क्लॉक हो। तो वहाँ पर जब मेरा स्टडी टेबल था तो वहाँ पर थी, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है तो अभी ये बड़ी वाली क्लॉक तो सामने ही है, तो इसलिए इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये रीज़न है कि यहाँ पर ये पीछे कर्टेंस आ रहे हैं तो उनको ड्रॉ करने में फिर ये गिर जाएगी, तो इसलिए अब मैं इसको यहाँ पर नहीं रखूँगी, लेकिन अभी यहाँ पर है और वैसे बंद भी है तो इसके सेल भी चेंज करने हैं। और अभी यहाँ पर ये है मेरी रिस्ट वॉच और ये है मेरी फर वाली डेली डायरी जो मैं पहले लिखती थी और फिर फिनिश हो गई, तो मुझे इतनी पसंद है कि मैंने ये कबर्ड में रख के रखी है। और क्योंकि बाकी की दो तीन साइड टेबल में है तो इसलिए। ये है प्लास्टिक बैग्स, मतलब इसके अंदर ये जिपलॉक बैग है। मेरी जो भरतनाट्यम वाली सारी एक्सेसरीज है उसमें मैं क्या करती हूँ, कॉटन रखती हूँ और फिर उसके ऊपर रखती हूँ, तो मतलब उसको कोई ख़राब होने का चांस ही नहीं होता है। तो ऐसी जो जिपलॉक वाली बैग्स होती है वो हमारी छोटी मोटी एक्सेसरीज रखने में बहुत ही यूज़फुल होती है। और ये मैंने DIY किया हुआ है। एक्चुअली ये जो नोटबुक के ऊपर, मतलब बुक्स के ऊपर जो कवर लगाते हैं उसका बॉक्स है, जिसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है। और ये जो खुलती है वो साइड है, पता नहीं ये या ये है, उन दोनों से कोई एक को मैंने इस तरह से सेलो टेप से पेस्ट कर दिया और ये बन गया। और उसके ऊपर क्राफ्ट पेपर लगा दिए, लेकिन इसमें क्या रखूँ वो मैं सोच रही थी, तो बस ऐसे ही इसमें रख दिया है क्योंकि ये साइड में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं नीचे बैठ गई, क्यों, क्योंकि मेरा कबर्ड का लोकेशन ही थोड़ा इस तरफ है, यहाँ पर से कुछ लेना होता है तो बैठ के लेना पड़ता है, इसलिए मैं बैठ गई। और इसलिए मैंने जो मेरी सारी एसेसरीज है और वैनिटी बैग है वो बाहर रख दिया, मतलब एसेसरी स्टोरेज कैबिनेट में, हेयर एसेसरीज और बाकी की, और ये वैनिटी बैग यहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है स्कर्ट, ये जब मैं बहुत छोटी थी तब का है, बहुत छोटी थी तब का है, लेकिन ये मुझे इतना पसंद है। और अगर आपको पता होगा तो ये कविता का स्कर्ट है। और उसके नीचे जीन्स और डंगरी है। और यहाँ पर पीछे ये मेरे फ्रॉक है और उसके नीचे फ्रॉक की लेगिंग्स भी है। फिर यहाँ पर ये है मेरा ब्लैक ब्लाउज़, अगर आपको पता होगा तो ये मेरे डांस की वीडियो में मैंने पहना था। और उसके पीछे ये सारा दुपट्टा है। आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर क्यों रखे हैं, मतलब अभी तो नवरात्रि है, अभी नवरात्रि है भी नहीं, तो वो इसीलिए रखे हैं क्योंकि अभी अलग अलग रोल चेंज होते हैं कॉमेडी वीडियोज़ में, तो उसमें ये दुपट्टा की ज़रूरत होती है। तो पहले तो ये नवरात्रि वाला है, तो पहले तो ये रूम में नहीं थे, मतलब मेरे कबर्ड में नहीं थे, लेकिन अब ये मेरे कबर्ड में रख दिए हैं। तो अभी यहाँ पर है मेरे नाइट वेयर्स और यहाँ पर पीछे ट्रेडिशनल क्लोथ्स है। एक्चुअली ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स मेरे कबर्ड में इसलिए है क्योंकि अभी जो रोल डिफरेंट करने होते हैं फनी वीडियोज़ में, कॉमेडी वीडियोज़ में, इसलिए इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। अभी मैं आपको ये नीचे एकदम नीचे वाले शेल्फ में क्या है वो बता देती हूँ, क्योंकि इसके नीचे डायरेक्ट यही है तो ये लास्ट शेल्फ है। तो अभी यहाँ पर नीचे है कुछ डिफरेंट आइटम्स, छोटी छोटी भी है, बड़ी बड़ी भी है, और मेरी कुछ एसेसरीज भी है। तो सबसे पहले ये आइटम्स सारे डेकोरेटिव है वो दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिल जो मैं वो स्विंग जैसा है उसके ऊपर रखती हूँ, वैसे उसके ऊपर रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि जब मोबाइल चार्ज करना होता है तो ये फिर से यहाँ ही आ जाती है, तो सुबह सुबह डिक्लटर करते वक्त मैं वहाँ पर रखती हूँ, फिर आफ्टरनून होते होते ये यहाँ पर आ जाती है। फिर यहाँ पर है आईफिल टावर, ये पीछे आर है, LED लाइट है, ये जब स्टोरेज कैबिनेट खोलनी होती है फिर बंद करनी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा भी हिले तो ये गिर जाएंगे, और मुझे ये बहुत पसंद है, तो मुझे जब बहुत मन होता है तब मैं रखती हूँ, फिर से यहाँ पर ही रख देती हूँ। और इन दोनों का भी कुछ ऐसा ही है। फिर यहाँ पर ये है पाइनएप्पल वाला, अब यहाँ पर ये है फेरी लाइट, फिर यहाँ पर कीज़ का स्टैंड जैसा, मतलब हम इसमें कीज़ हैंग कर सकते हैं, लेकिन जब से ये लिया है तब से ऐसा का ऐसा ही है, मैंने कुछ इसमें लगाया ही नहीं है। अभी यहाँ पर है मेरे कलेक्ट किए हुए की चेन्स जो मुझे बहुत पसंद है। और आप सोच रहे होंगे ये खाली बॉक्स मतलब यहाँ पर क्यों है, तो ये जो मेरी बेड के ऊपर जो फेरी लाइट्स है ना, बेड के सपोर्ट के ऊपर, तो
वो फेरी लाइट्स वहाँ पे लगाई हुई है, तो ये उसका ही बॉक्स है। और ये मेरी छोटी सी डायरी है, और ये एक छोटा सा क्यूट फ्लावर पॉट है जिसमें ये फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, ये एकदम पीछे एक स्माइली इमोजी वाला पिलो है। अब यहाँ पर है ये मेरी कुछ एसेसरीज, तो ये कुछ फेक एसेसरीज जो डांस वीडियोस में यूज आती है। तो दूसरा पाउच ये है, ये फेक हेयर है। तो ये हेयर और मेरे हेयर मिलके बड़ी लंबी वाली जोटी बनती है ऐसे अलग अलग रोल्स के लिए। ये एक रोज फ्लावर वाला है, तो मैंने सोचा काम आ जाएगा, इसीलिए इसमें रखा हुआ है। ये दो पैकेट वो नकली हेयर वाली कलरफुल वो हाइलाइट्स नहीं होती है, तो वो है। तो ये थी मेरी वार्डरोब टूर, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ, मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी, तो उसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करना मतलब रियाज अमेजिंग वर्ल्ड के बाजू में सब्सक्राइब लिखा हुआ ग्रे कलर का रखना। तो आप बन गए रियाज अमेजिंग वर्ल्ड के यूट्यूब फैमिली मेंबर। सो दिस मच ओनली इन दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।